Ready? Yeah. You can go. दोस्तों इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। देखा आपने ये क्रिएटिविटी कि वहाँ वीडियो चल रहा है लेकिन आप एक और वीडियो देख रहे हो जहाँ पे दो वीडियो के दो किरदार हैं वो भी उस वीडियो को देख रहे हैं। ये होती है क्रिएटिविटी 420 ग्राम्स की। और ये क्रिएटिविटी हमें सजेस्ट कितने की, दिस गुड फॉर नथिंग क्रिएटिविटी जो हमने अभी यहाँ पे किया है, वैभव रघुनंदन जो अक्सर हमारे शो पे आते हैं। वैभव, गिव अ हेलो एंड से थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स कि आपने ये क्रिएटिविटी दिखाई उनको अभी। अब मैं फ्रेम के बाहर हूँ। हाँ, पर वीडियो में हूँ। ये होता है इंसेप्शन वाला वीडियो। अगर आपको ये क्रिएटिविटी पसंद आया तो कमेंट्स में बताइए एंड वील कन्वे दैट मैसेज ऑन टू वैभव। बट ऑन टू द लार्जर टॉपिक, कॉमरेड जागिए, क्योंकि जो लार्जर टॉपिक ये है कि अभी हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे शेड्यूल लॉन्च हुआ एंड वेयर दिस स्लोगन वॉज ऑल्सो लॉन्च फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड टू बी ऑनेस्ट, the best part of that entire press conference was this slogan, जो मैं सच सच बताऊं, before the press conference मैं कह रहा था यार फिर anthem, फिर कोई वो हमारा देश हमारा ये हमारा वो, but this was the best thing they could have done where there are no lyrics involved, it's catchy, it's to the point and you've got someone who can be a symbol for women's football right there at the end, दालिमा छब्बड़। So kudos for that सबसे पहले। yeah मजेदार sure. था हा? और schedule launch में ये देखने को मिला कि 5 venues होंगे FIFA Under 17 World Cup, which of course starts in November. So now you'll have a total of 5 venues, the final being taking place in Navi Mumbai. And they were also harping on about the fact, yeah. I think kafi bari bola gaya tha ki this is the first time that 5 venues five are venues. Taking place in a Under 17 World Cup. I don't know what the whole point is on that. I guess to an extent, Praful Patel, who's the president of the AIFF, he clarified why this was a big thing. Because it's a big country. It's a big country, no. That's the reasoning for India asking is for two reasons. One is that there was a... And anyway, there are two, three things. That to also have some games in the Northeast. Yeah. Fair enough. Right? Because it's such a massive... like they said, a continent-sized country. Yeah. Why it's a big deal is because generally the standard operating procedures that FIFA follow, unka jo kitabein hoti hai jo... जिसमें सारा क्राइटेरिया लिखा होता है कि स्टेडियम में हर चीज, मतलब हर फिटिंग, इंडिविजुअल फिटिंग से लेके ओवरऑल क्या होता है, उससे वो डिविएट नहीं करते हैं ज्यादा। बट लाइक प्रफुल्ल पटेल वाज सेइंग दैट इन द केस ऑफ इंडिया, फीफा हैज बीन वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी एक्सेप्टिंग, वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शंस, बिकॉज ऑल्सो लेट्स फेस इट, लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर आरंट टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट आर विलिंग टू स्पेंड पब्लिक मनी to host these age group tournaments. Yeah, because the senior World Cup might be a money making tournament, or at least the kind of money. Yeah, it costs taxpayers quite a bit to host these kind of events. So India is one of the few countries that is, because we are trying to portray a certain kind of global image, and we also know that event managers to hum, yeah, event करने वाले लोग तो हम बन ही गए अच्छे, तो वो ही दिखाना चाहते हैं हम लोगों को, तो इसलिए। बट एक अच्छी बात है, अहमदाबाद आ गया, फीफा अप्रूव्ड हो गया। द पॉजिटिव साइड इज या दैट टू न्यू वेन्यूज, गुवाहाटी विल गेट फीफा अप्रूव्ड, अहमदाबाद इज अ ब्रांड न्यू सॉर्ट ऑफ स्टेडियम, राइट, ट्रांस स्टेडियम वेयर द नेशनल टीम हैज आल्सो प्लेड, गेम्स विल हैपन देयर अपार्ट फ्रॉम रेगुलर। सो आई थिंक दैट कुड बी योर बेस्ट वेन्यू बिकॉज़ इट्स अ स्मॉल वेन्यू, राइट, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप तो भरने का ज्यादा चांस है, भरने का चांस होगा अगर भारत वहां पे खेलेगा तो द स्पेक्टिकल दैट यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे स्पेक्टिकल है ना सर, आप दुनिया को बेच रहे हो कि हमारे देश में ये हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ये सब हो रहा है, दैट कुड बी प्रोबब्ली योर बेस्ट बेट टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट स्पेक्टिकल दैट यू वांट, राइट। एंड अक्सर हमने देखा है कि पीपल ट्रैवल टू अहमदाबाद ऑल्सो, so you could see fans making that journey to Ahmedabad. Travel to Ahmedabad is not that difficult as opposed to going to a Guwahati or something. Yeah, you have to take a flight. I mean, they are all venues where, like, sort of you get can take direct flights or direct trains to. So from that sense, and Roberto Grassi, who's the tournament sort of guy, he was saying that
they look at all these factors, logistics in terms of travel, hotels and all that also when they're selecting the final cities to host. So encouraging to ye hai ki first women's team to play at a FIFA World Cup. That's big. It's a massive positive. And for the, so therefore for the first time similar 2 saal pehle jo Under-17 men's World Cup hua tha. Yeah. Because of that wo thoda Philip thoda kickstart mil gaya tha. Ki kids are getting into the system a little bit younger. The federation is forced to put a system in place, right? To select a group of kids, give them intensive training. As they mentioned, the team is in Turkey at the moment playing some international matches. And they had a quite exciting 3-all draw with Romania, in fact. Yeah. So these are don't positive. Know why we keep calling it Romania, by the way. Sorry. So that's the good part. Huh. But in the end, yeah, the press conference sort of devolved into the regular stuff. Yeah, so the regular disappointing, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था एक तो मैंने जो चीज नोटिस करी कि देयर वर 4 टॉकिंग हेड्स ऑन द डायस एंड अनदर केम टू टॉक अबाउट द स्लोगन लॉन्च एवरीवन विदाउट फेल वाज फर्स्ट थैंकिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम सो इट्स लाइक दिस ऐसे करते हैं ठीक गेम खेलते हैं I'd like to thank Siddhant for joining me on the show. I'd like to thank Mohit for doing the camera on the show. I'd like to thank Sauda for being the director on the show. Now you've come. Ab aap kaise karenge? I'd like to thank Sauda for being the director of the show. Pandit, of course, for being such a great anchor. Mm. And Weber for the moral support. And Saurav, who's just an all-round solid guy. Now imagine 4 people have done this. 5 people have done this in one press conference, sir. Yeah. This was a different thing, man. When will we move beyond this, yaar? This formality of thanking and so on and so forth. But actually, it's a press conference. We have recorded the whole press conference. Okay, we have recorded the whole press conference. First of all, I would like to extend a hearty welcome to the FIFA woman head, Sarai Berman, and the head of the Under-17 Women World Cup, Roberto Grassi, and our own president of the Indian Football Federation, Mr. Praful Patelji. First of all, I just want to express my sincere thanks to Honorable Minister Rijiju, and also to our FIFA Council member and the president of AIFF, Mr. Patel. Thank you very much. Thank you, Sarai. Thank you, Mr. President, and thank you to the Sport Minister today. Thank you, and I'd like to thank the Minister, Mr. Rijiju, for coming here today and being a big support to this Women's Under-17 FIFA World Cup. I would like to first quickly thank the President, Mr. Patel, Honorable Minister Sarai, as well as Mr. Roberto. चलाने लायक कुछ मिला ही नहीं भाई मतलब एक इंटरेस्टिंग सा एडिट बना के चलाएंगे आपके लिए नहीं बट आई एम सेइंग दमदार फॉर फन ये तो फन हो गया ना आपका मैं कह रहा हूं दमदार दमदार यार तो क्या ही क्या या इट्स अ चैलेंजिंग थिंग सो सराय बेमन हु इज द हेड ऑफ द चीफ वुमेन्स फुटबॉल ऑफिसर एट फीफा स्टार्टेड हर बिट बाय सेइंग very happy to be here and see such a large audience. First, she thanked everyone. Yeah. And it was a full, the hall was full. There must have been... it was packed. Yeah, yeah including various sorts of camera people. There would have been maybe 150 journalists there. This is a press conference. It's not open to the public kind of an event. Yeah. So that's a huge number. So she said that I'm very happy to see such a large audience. I wish more of that audience was women. Yeah, I think there were four or five of them. No, there were far more actually. Yeah, and also as if you see the press conference, counting kar raha if you go over the video, the 5 or 6 questions that were asked, a majority of those questions were asked by women reporters. There was anyway, one, yeah. So okay. my Shero Shairi bhi hui hai. My counter to my counter to Sarai Behman is that she was sitting on a panel talking about the Under-17 Women's World Cup, where there were 4 men and her. Right. So. Roma was there as well. No, but Roma wasn't on the panel, right? Roma, who is the she's heading LOC. Heading the LOC from on the Indian side. Yeah. Yeah, she wasn't on the panel. There was Praful Patel. There was Sports Minister Kiran Rijiju. There was Roberto Grassi. And there was Sarai Behman. So, 1 out of 4. And she was brought into the FIFA Reform Committee in 2015. When there was all kinds of scandals going on. And one of the things that she has campaigned on or for is more women in leadership roles at FIFA. Right? It's really interesting that the AIFF
in organizing this tournament has put women in those leadership roles. Yeah. And that is very encouraging. But this jo inka jo top down approach hai na yaar ye mujhe sahi nahi lagta hai. What do you mean by that? Ye hamesha buck pass karte rehte hain. Jitne log baithe hain dais pe sab basically keh rahe hain hum sara support denge, hum pura setup karenge, but baki aap log ke upar hai. Always the onus is on the fans, the media, you have somebody to help else us. Ki aapko karna hai. Ye हम जो खुद कर रहे हैं जो आपका जो लीडर वर्ल्ड लीडरशिप है फीफा का वो क्या कर रहा है उसके बारे में पर आप खफा किस चीज से हैं मैं एक मतलब तो अगर मैं ऑब्जेक्टिवली पूछूं एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हाँ। दूसरा चलो ठीक है आपको आप मे बी आपका प्रिपेयर्ड स्पीच था आपने इतना सोचा नहीं इसके बारे में छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आपने किन किन लोगों को बिठाया हुआ है और क्यों बिठाया हुआ है और वो क्या बात कर रहे हैं जैसे एक छोटा सा क्लिप दिखाएंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अब ऐसे लगेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए हैं बात करने इस बारे में कि भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार खेल के लिए हिंदुस्तान में क्या कर रही है देखिए सुनिए जरा कितने बार कहते हैं खेलो इंडिया जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू हैव सम मोर इवेंट्स लीडिंग टू दिस अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप लाइक खेलो इंडिया वुमेन लीग वी हैव स्टार्टेड दिस खेलो इंडिया वुमेन लीग इन वेरियस सिटीज ऑलरेडी इफ यू सी द रिकॉर्ड We never had very structured way of getting the young people to take part or showcase their talents. That is why we have started the Khelo India School Games, Khelo India Youth Games, and 22nd next week we are going to have a Khelo India University Games. So this Khelo India is funded by my ministry, it's funded by the government of India. So it's not like earlier days you host tournament and you bear the expenses now we are funding government is funding to khelo india ka matlab then immediately as soon as the minister finishes his bit on khelo india the president of AIFF pops in talks about the indian women's league and how a structure has been created for the first time and all of that to be fair to so be fair everyone is sir, just doing their the point, own the point even that here when you are talking about an under 17 women's world cup huh. the first time an indian women's team is playing at a world cup yeah you are talking about what you are doing here matlab ye under 17 jab men's world cup hua tha tab bhi hum yahi baat kar rahe the ki aap bachchon ko khilane ki baat kar rahe hain to kyun aap usme apna photo aap ghusane mein lage rehte hain sara time jab aur mr patel also went ahead and said how the under 17 men's world cup set a new yardstick for how tournaments should be conducted around the world so what are the barometers for judging success yeah no nothing na it's just ki hum maine bol diya to it must be the case hum log ne ye tournament cover kiya tha पहले ओपनिंग गेम में तो जो डिजास्टर हुआ है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्या व्हाट डू यू मीन बाय एक पूरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक पूरा स्टैंड प्लस उसके ऊपर वाला स्टैंड कॉर्डन्ड ऑफ था क्यों क्योंकि सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर कहीं होता है ना भाई कहीं नहीं होता है ऐसा भाई दुनिया में कि दो स्टैंड स्टेडियम के कॉर्डन्ड ऑफ हो गए हों I've been to World Cup finals. You've been to several big tournaments Durant across Cup. Sports. you know, Champions League finals, European Championship finals, AFC finals. कहीं नहीं होता है ऐसा. लेकिन हमारे यहाँ होता है. फिर जो भी है, small things like fans के लिए पानी नहीं था stadium में पीने के लिए. यहाँ से लेके. So by the end of the tournament, of course, we had caught up and things were much better. But to say that. India is setting the global standard in how football tournament should be conducted. It's just pure, it's outright lies. It's not even imagination. ये तो आप मतलब 10 कैमरा के सामने बैठ के आप सरासर मतलब fictitious कहानियां सुना रहे हैं आप तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि हम एक छोटा स्टेप सॉरी आई एम गोइंग ऑन चलिए चलिए सर हम एक छोटा स्टेप लेते हैं एक शुरुआत करते हैं तो व्हाई देन डू वी हैव टू फोकस ऑन कि ये बेस्ट एवर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी वही बात कर रहे हैं हम मैंने उनसे पूछा यही जो आपने मेरे से सवाल किया कि कोई स्पेसिफिक यार्डस्टिक्स होंगे जिस पे आप मेजर करते होंगे बेस्ट टूर्नामेंट उन्होंने क्या जवाब दिया यस यस वी विल कंसिडर ऑल द यार्डस्टिक्स ऑल ऑफ देम वेदर इट्स फैन एंगेजमेंट वेदर इट्स टेलीविजन नंबर्स वेदर इट्स व्हाटएवर
and we will break all the records and it will be the best tournament ever. Yeah. Just like we have the best prime minister ever and we live in the best country ever. Yeah. So, you know, I don't understand why you're doing something good, right? Why not just focus on what the effort is that has been put in? Talk about some of these kids who are going to be featuring in this tournament. Yeah. Let them have some of the attention. You can't na, because abhi aapka the camp chal raha hai, you don't know your team right now. But aapko kuch to idea hai. Agar aap tournament se 6 mahine pehle aapko yehi nahi pata hai ki aapke first 11 mein kaun koi at least some idea. First 11 छोड़िए. Don't think so. First 30 तो पता होगा. First 30 पता होगा. उनमें से 2, 4, 5 तो होंगे खिलाड़ी जो you think might be there. अच्छा जो ठीक है जो उनने काम नहीं किया हम कर लेते हैं. बिल्कुल. वो रोमानिया के खिलाफ जो 3-3 का जो ड्रॉ हुआ उनका टर्की में मैंने थोड़ी क्लिपिंग्स देखी भाई सर द गेम लुक्ड गुड एंड द गर्ल्स वर टेकिंग द गेम टू रोमानिया हु अपेरेंटली नाउ आई एम सॉरी आई डोंट नो टू मच अबाउट द अंडर 17 लेवल एंड द वुमेन्स गेम एंड व्हाट द स्टैंडिंग्स आर एज फार एज कंट्रीज आर कंसर्न्ड नो ऑफ कोर्स जस्ट द फैक्ट दैट यू आर प्लेइंग इन यूरोपियन नेशन इट्स इंपॉसिबल टू नो दैट बिकॉज दीस आर एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हैपनिंग यू नो लाइक पीपल समबडी आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ डू वी नो दिस इज द ऑफिशियल रोमानियन बिकॉज इट्स हैपेंड इन द पास्ट या इट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन यार सो एंड इट डिपेंड्स ऑन लाइक एट द एज ग्रुप लेवल मोस्ट फेडरेशंस लाइक टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एज मेनी प्लेयर्स एज पॉसिबल So you will find that from one tournament to the next, sometimes the entire squad is changed, right? And people, because ya to kisi journalist ne directly baat ki ho coach se, aur us coach ne aapko bataya ho ki hum janbujh ke ab B team khila rahe hain. Wo alag hai, lekin wo hum nahi kar rahe hain. Na pehle kiya tha humne, na ab kya. Pehle to kya hua tha? Wo club ne statement diya tha, ya Italy ne statement diya tha ki categorically saying ki ye hamari A team nahi hai ya jo bhi kahani thi. Theek hai. यहाँ जो भी सिलेक्शन हो द पॉइंट इज रोमानिया एज अ फुटबॉलिंग नेशन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन अस सिंपल दे हैव हैड ग्रेट प्लेयर्स इन द पास्ट दे प्लेड एट अ वर्ल्ड कप देन इन यूरोप या सो इट मस्ट बी सेलिब्रेटेड मे बी नॉट सेलिब्रेटेड बट इट शुड बी स्पोकन अबाउट दीज गर्ल्स हु आर इन द अंडर 17 अंडर 16 सेटअप राइट नाउ इवन दो द प्रोसेस फॉर देम हैज स्टार्टेड ओनली अ फ्यू मंथ्स और अ ईयर मैक्सिमम अगो the sort of trajectory the development curve is quite sharp I was reading what the coach was saying and he is saying that look we're working a lot on fast movements and I think you kind of understand you talk about any Indian team yeah. you're not going to play a possession based football kyunki hamare paas wo shamta hai nahi let alone an under 17 team that has been put together from a country jahan pe hame pata hi nahi tha ki age group level tournaments mein kya ho raha hai teamein ban rahi on the day of the tournament so usko to aap possession based football to khila hi nahi sakte so your only way of going forward is to be a little more explosive in patches right and then to shut shop And of course, try catching them on the counter. क्योंकि जो अगर आप लोग इस क्लिपिंग को आपने देखा नहीं है तो देखिए बिकॉज क्लिपिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम्स कैन बी मिसलीडिंग एज वेल बिकॉज दे ओनली टेल यू अबाउट दोस फोर मूवमेंट्स तीन गोल मारे हैं तो तीन मूवमेंट्स आपको दिखा रहे हैं अगर आपको पूरे गेम में आपको टीम को एनालाइज करना है तो 90 मिनट का गेम देखना बहुत जरूरी है तो तीन मूवमेंट्स पे एक टीम पे अपनी एनालिसिस मत करिए पर उन तीन मूवमेंट से थोड़ा थोड़ा दिखता है कि थोड़ा एक्सप्लोसिवनेस दिख रहा था थोड़ा दे वर मैचिंग देम स्पीड फॉर स्पीड And a lot of the goals that were happening is a cross being coming in from the right, so someone is coming in from the left and tapping it in or hitting that goal. Yeah. So those are, pleasant signs moving forward. No, absolutely. I mean, they're getting a high level of coaching. Yeah. They're getting good exposure. Alex is there. Alex Ambrose has been with the team from the start, from the time the camp has been made, and now, of course, and he's assisting the main coach. So I'm hoping we can get talking to Alex sometime. Alex is a former teammate of yours, is he? Or? No, he's not a former teammate of mine, but he's of course I've known him for a long time and former India player and much travelled throughout India. And we should get him on the show. In fact, AIFF, please let Alex Ambrose talk to us. If please, we send you a request. Please let some people talk to us sometimes. ठीक है भाई ये खत्म हो गया मैं और कुछ है बात करने क्योंकि मेरे पास एंड करने का तरीका है हाँ बस मैं ये दरख्वास्त है यार बात करने की तो कुछ है नहीं मैं बस इन सब पॉलिटिशियन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्पेशली जब बच्चों का खेल होता है ना लेट अस ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू अ स्पोर्ट्स शो और एन आर्टिकल दैट इज पॉजिटिव वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द एफर्ट दैट ऑल दिस यू नो एलओसी जो बनाया है जो लोग काम कर रहे हैं वी नो अ लॉट ऑफ द पीपल हु बिकॉज At the end of the day, the football community is quite small. Who are putting like their sweat and tears and all of that into it. And a lot of work goes behind it. Yeah, man. To get all these venues ready, a lot of travel. A lot of these people will be living out of suitcases for the next 6 months. Just on the road all the time, you know. So,
let us give us just stay out of it, man. Let us talk about some of these stories, the positive stories where capacities are being developed in India, right? For Indians across the board, whether it's the players, the people managing stuff, you know, the event organizers, all of that. And you do your photo ops and all of that, but like, try to keep it to a bit of a minimum. Har jagah ghus jate hain, fir hume bhi usi baare mein baat karni padti hai, aur mudda fir change ho jata hai pura. ठीक है भाई आपकी होपफुली आपकी रिक्वेस्ट हैज फॉलन ऑन द इयर्स ऑफ द टू पीपल हु आर वाचिंग द शो एंड वी आर होपिंग वन ऑफ देम इज मिस्टर पटेल जाते जाते मैं आप लोगों को एक जरा बता दूं ऑफ दिस आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी वेंट फॉर खत्म कैसी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल जवाब धड़ाधन चले जा रहे थे एंड टू बी फेयर इवन द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड वर नथिंग ग्रेट राइट बट फाइनली एक जो रिपोर्टर थी वहां पे उन्होंने कहा कि जी मैं सवाल नहीं करूंगी सबसे पहले मैं आपके लिए एक गाना गाऊंगी और उन्होंने कुछ शेर गाया है पता नहीं क्या क्यू एंड हाउ दे डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब एंड उसी टाइम पे आई थिंक दैट वाज क्यू कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म एवरीवन रैन इनटू द लंच हॉल एंड एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिल्च हो गया था तो ये था द एंड ऑफ एन आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जाते जाते आपको फिर से एक बार बता दूँ आई लाइक टू थैंक सिद्धांत फॉर बींग ऑन द शो टूडे आई लाइक टू थैंक मोहित फॉर डूइंग द कैमरा एंड आई लाइक टू थैंक वैभव फॉर हिज लवली इनपुट्स for starting this show. And thank NewsClick. I'd like to thank NewsClick for this wonderful facility. If you'd like to thank us, let us know in the comment section. As always, we keep bringing to you another new episode of 420 Grams. Rant or no rant? No rant.